नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। विधायक की मांग पर टोल कंपनी के प्रतिनिधियों ने मांगा 2 दिन का समय। चौमू भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू अजीतगढ़ सड़क मार्ग पर चौमू शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सामोद में लगाए गए टोल संग्रह बूथ को हटाने के लिए शासन सचिव को शुक्रवार को पत्र लिखा था। पत्र लिखने के बाद टोल कंपनी के अधिकारी व प्रतिनिधि हरकत में आ गए हैं और इसी को लेकर आज शनिवार को सामोद थाने में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायक रामलाल शर्मा, टोल कंपनी के प्रतिनिधि, सामोद थाना अधिकारी व अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पहले धौली में टोल लगा हुआ था और अब उस टोल को हटाकर ग्राम सामोद में लगाया गया है। विधायक शर्मा ने बैठक में टोल कंपनी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट तौर से कहा कि धौली में लगे हुए टोल पर सामोद, महार, कानपुरा, बांसा, कुशलपुरा, सुल्तानपुरा व फतेहपुरा आदि गांव के बासिंदे कोई टोल का भुगतान नहीं करते थे और अब सामोद से 3 किलोमीटर पहले टोल लगने से इन ग्रामवासियों ने टोल वसूला जा रहा है, वह अनुचित है। विधायक ने स्पष्ट किया कि पहले जहाँ टोल लग रहा था उससे पूर्व आने वाले गांव के बासिंदों से कोई टोल नहीं वसूला जाए। इस पर टोल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 2 दिन का वक्त मांगा गया है और कहा गया है कि इन दिनों कंपनी द्वारा इन गांवों का सर्वे किया जाएगा, उसके बाद में जो भी जनहित का रास्ता होगा उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। बैठक में सामोद पूर्व सरपंच दिनेश चतुर्वेदी, पूर्व फल सब्जी मंडी अध्यक्ष दिनेश गोरा, फतेहपुरा सरपंच बाबूलाल गुजर, रामतार अग्रवाल, महेश यादव, प्रशांत यादव, बल्लू सैनी भी मौजूद रहे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।